चाइनीज स्टार पेंग शुआई बीते कई दिनों से गायब है। पेंग शुआई ने कुछ समय पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार के एक बड़े अधिकारी पर सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगाए थे। 35 साल की पेंग ने लिखा था, पूर्व उप प्रधानमंत्री और सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य झेंग गाओली ने 3 साल पहले लगातार इनकार करने के बावजूद मुझे यौन संबंध बनाने के लिए बाध्य किया। 7 साल पहले भी उन्होंने मेरे साथ यही किया था। बाद में जिनपिंग सरकार ने पेंग शुआई का बयान सोशल मीडिया से हटवा दिया। इसे जिनपिंग की तानाशाही के तौर पर देखा जा रहा है। इधर टेनिस वर्ल्ड में उनके लापता होने पर खलबली मची है। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने भी पेंग के लापता होने पर सवाल उठाए हैं। I don't have much information about it. I did hear about it a week ago, and it's shocking, you know, that she's missing. I mean, more so that it's someone that I've seen on the tour in the previous years quite a few times. So, I mean, there's not much more to say than hope that she'll be found, that, you know, that she's okay. And it's terrible that, you know, I can imagine just how her family feels, you know, that she's missing. नोवाक के अलावा पेंग शुआई को लेकर जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ने लिखा, नहीं पता कि आपकी नजरें खबरों पर हैं या नहीं, लेकिन हाल में मुझे एक साथी खिलाड़ी के बारे में पता चला जो अपने यौन उत्पीड़न का खुलासा करने के कुछ देर बाद गायब हो गई। आवाज को दबाना किसी भी कीमत पर सही नहीं है।